नमस्कार, मैं हूं कनिष्क और अर्थ प्रकाश न्यूज़ में आपका स्वागत है। आज हम एक ऐसे टॉपिक पे बात करने वाले हैं जिससे हमारा यूथ, हमारी जो मैच्योर लोग हैं, बच्चे हैं, सब जुड़े हुए हैं। जी हां, मैं बात कर रहा हूं यहां पे सोशल मीडिया की। उसका बहुत ही ज़्यादा अच्छा यूज़ तो किया जा ही रहा है, लेकिन साथ के साथ उसका मिसयूज़ जो कि है, दुरुपयोग बहुत ज़्यादा किया जा रहा है। तो बिल्कुल आज हम अपने यूथ से पूछेंगे कि क्या मिसयूज़ हैं जो किए जा रहे हैं लोगों द्वारा, और क्या इसके जो उपाय हैं जो हमें अपनाने चाहिए ताकि ये जो चीज़ें हैं वो हमें देखने को ना मिल सकें। सोशल मीडिया पे अगर देखा जाए तो इसके फ़ायदे भी बहुत हैं, और जैसे कि इमीडिएटली कोई किसी के साथ अत्याचार होता है और उसको फटाफट अगर सोशल मीडिया पे आ जाती है बात, तो जो चीज़ दब जाती है वो आज उसके लिए भी लड़ा जा रहा है। लेकिन कुछ एंड पे ऐसे भी है कि अगर कुछ बातें ऐसे भी उसको बना के, उसको मैनिपुलेशन करके, फेक करके किया जा रहा है, तो उसके लिए थोड़ा गलत भी है। इसके ऊपर एक लॉ बनाना चाहिए फास्ट, और जैसे कोई गलत चीज़ होती है तो इमीडिएटली उसके ऊपर एक्शन लिया जाए। तो फिर एक लोगों के मन में डर होगा कि यार अगर मैंने ये गलत अफवाह फैलाई या कुछ ऐसा किया तो मेरे खिलाफ़ ऐसे एक्शन हो जाएगा। मेरा नाम गुरदेव सिंह है। मैं कहना चाहूँगा कि सोशल मीडिया पर जो भी बताते हैं, व्हाट्सएप, फेसबुक पे जो भी, ये सही नॉलेज दें, किसी को गुमराह ना करें। इससे बहुत सो का मतलब जैसे भला भी होता है, गलत न्यूज़ से नुकसान भी होता है। एक आदमी सही यूज़ करता है, 10 इसका गलत यूज़ करते हैं, ठीक है ना। अब हम सबको यही चाहिए कि हम सब मिलके इसका सही यूज करें और गलत यूज़ जो करता है उसके खिलाफ को कार्यवाही करें। बस को सही तरीके से देखा जाए तो नॉलेज की बात है, ठीक है। खबरें मिलती हैं, फिल्मों में भी कुछ मिलता है, खबरें अच्छी मिलती हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसी वैसी फिल्में या ऐसी वैसी वीडियो डाल देते हैं जिससे नुकसान होता है, मेरा भी हो सकता है, सबके घर में बच्चे हैं, लड़कियां हैं, देखते हैं, फिर उससे आगे जाती हैं, तो ये नहीं होना चाहिए। कोई भी चीज़ आ वो उन्हें चंगे पासे नहीं वरते जा सकता, गलत पासे नहीं वरते जा सकता, है ना। हरेक चीज़ के फायदे भी है, नुकसान भी है। तो जे तुम पॉजिटिव तरीके वरतते हैं, जिमें ब्लड डोनेट करने लिए किसी ब्लड की लोड़ होंगी, सोशल मीडिया पाते कि इस जगह पर बंदा हैगा, इनू आ ब्लड ग्रुप आ, लोड़ आ, लागे जोड़ा हों, बंदा डोनेटर जो लागे हों उत्थे पहुँच जाता दे दिता, या होर बहुत सारिया चीज़ा, बहुत सारी कॉज, कोई किसी का कुछ गवाच गया वो मिल गया, कई बच्चे बहुत देर बाद सोशल मीडिया थ्रू मिले आ, बहुत सारिया चीज़ा किसी की हैल्प करनी आ, किन्ने सारे इदा के चैरिटी के चलते जोड़े पता लग जाता कि इतने बंदे नूं हैल्प की लोड़ है, उत्थे पहुँच जाता। बुरी गल तो यही है कि सोशल मीडिया के उत्ते हर बंदा अज अपने आप को समझता कि मैं पता नहीं की है की चीज़ है, किसी भी कुछ भी कह सकता, है ना। जबकि किसी मूँह तो कहने की थोड़ी हिम्मत नहीं होंगी। एक छोटे जे कदम ही सब कुछ ठीक हो सकता। वो ये हैगा कि तुसी फेसबुक आई डी या सोशल मीडिया के किसी भी प्लेटफॉर्म की आई डी आनू आधार कार्ड ना अटैच कर दौ। बहुत सिंपल है, वेरी सिंपल, एक दिन दे विच हो सकदा हल। जैसे कहीं भी मैसेज देना है जल्दी, कोई तकलीफ है किसी को तो जल्दी पहुंच जाएगा। जैसे हम बुलाना चाहते हैं किसी को और गाड़ी बुक करवानी हो तो भी, कहीं जाना हो, अरे गलत तो बच्चे गलत भी कर देते हैं। दैट डिपेंड्स अपॉन पर्सन ना, पर्सन कैसे यूज़ करता है। कई पर्सन इसको एज अ बेनिफिट यूज़ करते हैं, लेकिन कहीं इसको डिसएडवांटेजेस में प्रूव वो करता है, यूज़ कर रहा है। अब डिपेंड कर रहा है कि तुम पर्सन कैसे यूज़ कर रहा है उस चीज़ को। अगर कोई गलत चीज़ में कर रहा है तो हम उसका कुछ नहीं कर सकते, लेकिन ज़रूरी थोड़ी अब हर पर्सन गलत ही चीज़ में करे। अब आजकल मोस्ट ऑफ द पर्सन आजकल सोशल साइट्स यूज़ कर रहा है, तो अगर आप कोई अच्छी चीज़ पहुँचाना चाहते हो वो तुम बिना उन्हें पर्सनली जाके बता के तुम वो चीज़ वैसे भी जान सकते हो, बस वो स्क्रॉल करता है। आई थिंक इस पर अगर तुम लिमिटेशंस लगा दो, टाइम लिमिटेशन, मोर ओवर तुम लोकेशंस, वेब एड्रेस तुम ट्रैक कर सकते हो चीज़ें की जो तुम्हारे किसने क्या डाला है। सो इट्स द बेस्ट यूज़। देखिए, सोशल मीडिया का जो इस्तेमाल है वो गलत भी हो रहा है और अच्छा भी हो रहा है। अगर हम पॉजिटिव में देखें तो बच्चों को उससे बहुत जल्दी कोई भी चीज़ की नॉलेज मिल जाती है, और हाँ अगर उसके नेगेटिव कुछ पॉइंट्स हम कंसिडर करें तो ये है कि कुछ फेक न्यूज़ वगैरह उस पर चल जाती हैं, तो लोगों को गलत इन्फॉर्मेशन पास ऑन हो जाती है, उसका गलत इम्पैक्ट आता है सोसाइटी के ऊपर। तो ये थी कुछ राय हमारे चंडीगढ़ के लोगों की। कैमरामैन मनदीप के साथ मैं कनिष्क, अर्थ प्रकाश न्यूज़। ताज़ा अपडेट्स के लिए अर्थ प्रकाश टीवी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें।